हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और यहाँ पर देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जो 10 अक्टूबर को पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न, उनको डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम में, आप उनको देख सकते हैं और एकदम फ्री है ये सारी चीज़ें। तो इसका अनअकैडमी का जो लर्निंग का ऐप का लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर आप मुझे ओपन करके फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहले से है तो आप मुझे अमित भाटी सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम ओस की बूंदों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलता है या कौन सी गैस बनती है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, ताकि ये एयर से या जो वाष्प होती हैं उनसे क्रिया ना करे और ये जले ना। बहुत ही ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो इसको क्या किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिससे अभिक्रिया ना करे। लेकिन अगर इस पे बाय द वे ओस या जल की बूंदें गिर दी जाती हैं तो कौन सी जो गैस बनती है वो बनती है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओम के नियम पर। तो न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन रहे हैं, आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अब ओम का नियम होता है वी इजकल्स टू आई आर। यहाँ पर आपको सिर्फ दो वैल्यू दी गई थी, एक वैल्यू आपको निकालनी थी। इनमें से वी हो सकता है, आई हो सकता है या आर हो सकता है। आर क्या होता है यहाँ पर? रेजिस्टेंस होता है, जिसका मात्रक होता है ओम। आई क्या होता है यहाँ पर? करंट, जिसका वैल्यू होती है, मात्रक होता है एम्पियर। और ये वी होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है भारत के वित्त सचिव के रूप में। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को इतना तो पता लग ही गया होगा कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जोन में अलग पेपर पूछा जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो आप इतनी टेंशन ना लें कि फर्जी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CaCO3। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? टैनिक अम्ल, ठीक है। टैनिक अम्ल होता है चाय के अंदर। और इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, जैसे इमली होती है, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बादाम के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है फोलिक अम्ल होता है बादाम के अंदर, जो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है एल यानी कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 तक तो आप परमाणु क्रमांक जितने भी हैं उनको याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 30 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके ऊपर जैसे HG होता है, HG इसका 80 होता है, ये सारी चीज़ें आपको, सोना होता है, चांदी होता है, इन सब के आपको याद रखने हैं। GST को सबसे बाद में पास करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछे सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहला राज्य था असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में कितने प्रतिशत हिस्सा है? यानी कि अभी आपने देखा होगा कि जो वॉलमार्ट कंपनी है उसने फ्लिपकार्ट का कुछ भाग खरीद लिया है, तो वो कितना भाग है जो वॉलमार्ट ने खरीदा है? वो है 77%, ठीक है। 77% अब वॉलमार्ट के पास में है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप इन सबको अच्छे से याद करके जाइए। अब देखिए, ब्राज़ील के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कंपनी के ब्रांड्स एम्बेसडर, स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर, अब जो है आप देखेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में है वो आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो एम्बेसडर होते हैं भारतीय, वो आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने आप को, और मैं भी इस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जो अलग अलग कंट्री में हमारे देश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपको पता लग जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 310 केल्विन। और अगर इसकी बात करें डिग्री सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में अगर आपसे पूछे तो 98.6 फारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाता है। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? शंख घोष को दिया गया है 52वां ज्ञानपीठ। और 53वां किसको दिया गया है? वो दिया गया है ममता कालिया को।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीईओ ऑफ सैंडिस्क, सैंडिस्क के सीईओ कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा, संजय मल्होत्रा इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल गजट, ये एक जीके कह सकते हैं या आप हिस्ट्री से बोल सकते हैं इस प्रश्न को। ये बंगाल गजट आपसे पूछा गया है कि संपादक कौन है, तो इसके संपादक कौन थे, जेम्स हिकी, और इन्हीं को भारत के अंदर जो प्रेस है, मीडिया है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा, रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो राइट आंसर क्या है इसका, 99 सीटें बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जीती थी। और ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर के लेवल को टफ बना देते हैं। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी आसान कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये पता रहता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भारतीय कौन सी थी जिसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता? तो ये है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? तो अभी जो ऑस्कर विनर थी मूवी वो थी द शेप ऑफ वाटर, द शेप ऑफ वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ में डिस्कस करने थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching.